क्या लड़का पैदा किया तुमने? सिर्फ मैंने ये चुप बोबड़ी बंद करा ले। मेरे को बना लिया सारा चटाई। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना उसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मैं नीरज सूद सर के साथ हूँ और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पहले का, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, बट कभी टाइम नहीं मिला, कभी सर बिजी थे और कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो आज हमें ग्रैंड ऑइसिस, एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे आ रखे हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद, मतलब मेरा ऐसा मौका मिला है मुझे। तो नीरज सूद जी, बहुत सी फिल्में आपने देखा ही होगा, मतलब मेरे को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपने इन्हें बहुत सी फिल्म्स में देखा होगा। तो आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे और कुछ नई नई रोचक सी बातें करेंगे। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पहले तो हिमाचल से, आप हिमाचल से मतलब मुंबई कैसे गए, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मेरी परवरिश पैदाइश मंडी की है। हाँ जी। हिमाचल का रहने वाला हूँ। हाँ जी। पिताजी यहीं गवर्नमेंट जॉब करते थे। हाँ जी। तो कॉलेज किया, कॉलेज में फिर नाटकों की लत लग गई। हाँ जी। वहीं पे प्रोफेशनल नाटक शुरू कर दिए। अच्छा जी। फिर किसी ने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जगह है। हाँ जी। वहाँ चला गया। कौन से वाले में? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। दिल्ली, जहाँ से नसीर भाई, ओमपुरी साहब, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा, बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो ये सारे मेरे सीनियर्स हैं। अच्छा। तो मेरा भी मन था कि उस इंस्टीट्यूट में जाऊँ। वो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ 20 बच्चों को लेते थे, अब शायद 27-28 बच्चों को लेते हैं। तो वहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद बॉम्बे चला गया। अच्छा। फिर 20-22 साल से बॉम्बे में ही था। हाँ जी। ये तो कुदरती मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा चलो, आपका मन था, आपके पापा के साथ भी, हम मेरे सीनियर थे कॉलेज में, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। तो आप, मतलब स्टार्टिंग आपका स्ट्रगल फेज कैसा रहा, मतलब मिले कैसा, आपको काम कैसे मिला, कितना भटकना पड़ा और कैसे कैसे? नहीं, वो तो जब भी कोई नया काम आप शुरू करते हो, जैसे आप लोगों ने भी कुछ अपने शुरू किया होगा, तो आपको भी पता लगा होगा कि मुश्किलें आती हैं, बट वही है कि वो छोटा मोटा होता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप ठहर गए, रुक गए, काम के लिए अपना बेस्ट देने लगे, तो धीरे धीरे काम भी आपको अपनाने लगता है। वैसा ही हमारे साथ भी हुआ, पहले एक हाथ चले, फिर दूसरे हाथ चले, फिर तीसरे हाथ चले, करते करते अब थोड़ा सा आप लोगों को दिखने लगा हूँ। हाँ जी, यही है। तो आप, जैसे आपने इतनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, तो वहाँ पे आपको क्या एनवायरनमेंट कैसा लगता है, मतलब कैसा एक आपको वाइब लगती है कि यार इन चीज़ों में मज़ा आता है, इन फिल्म्स में मुझे मज़ा आता है, और ये चीज़ें करने में मज़ा आता है, ये रोल्स करने में मुझे मज़ा आता है? देखो, रोल्स का तो मतलब जो आपको पहले शुरू में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो तो आपको अवेल करनी ही पड़ती है। हाँ जी। फिर एक टाइम के बाद होता है कि यार मैं इस तरीके के जॉनर में, और कलाकार एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना नहीं कर सकते हो, किसी भी काम को मना नहीं कर सकते। हाँ जी। वो आपको नए नए किरदार जीने होते हैं, फिर उस हिसाब से आप अपना कैरेक्टर बनाते हो। हाँ जी। तो ये तो लाइफ है हमारी, हमको अच्छा ही लगता है। हाँ जी। ये सब में कैरेक्टर अवेल करना, उसको निभाना, किस तरीके का होगा, जैसे कभी कभी जवान दिख जाते हैं, कभी कभी बूढ़ा दिखना पड़ता है, कभी यंग होना पड़ता है। तो आपका सबसे मजेदार किस्सा किन के साथ रहा, मतलब जब आप मूवी पे थे, कोई किस्सा? मजेदार किस्से तो मेरे सबके साथ ही थे। ये जब मैंने पहली पिक्चर मेरी आई थी, ये बैंड बाजा बारात, तो रणवीर सिंह, हाँ जी, उस बंदे में वो एनर्जी उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी ही है। अच्छा। तो उस बच्चे से मैंने इतना सीखा कि उसको एक आग थी, ललक थी कि मैं कैमरा के आगे रहूं, मैं कैमरा के आगे रहूं। मैंने कहा यार, इस बच्चे में इतनी आग है, तो हम में भी वो आग होनी चाहिए। तो ये लर्निंग प्रोसेस में आता है, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये उम्र में छोटा है तो ये अच्छा काम नहीं कर रही, शायद हम उससे भी सीख सकते हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, आप लेना आना चाहिए आपको। तो जैसे मेरे को लेने में बहुत मजा आता है, जैसे तुम आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और मैं तुमसे भी सीख रहा हूँ कि ये किस तरीके से होता है, इंटरव्यू का क्या तरीका होता है, अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ही है जो गेन कर रहे हैं हम लोग। तो आपका मतलब बेसिकली आप फिर जब ट्रैवलिंग पे होते हैं, तो आप डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको, मतलब आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको मतलब कैसे प्रोसेस कैसी रहती है? मेरे को एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है, मैं कभी गया नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं थोड़ा जानना भी चाहता हूँ। शूटिंग्स के लिए तो क्या है कि आपको जाना ही पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि शूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लोकेशन वाइज ही करनी पड़ती है। हाँ जी। कहानी के हिसाब से जगह चुनी जाती है। हाँ जी। ज़्यादातर जैसे मैंने अभी तक
उत्तराखंड, लखनऊ, एमपी, इस साइड पे मैंने बहुत शूट किया, राजस्थान, तो हर जगह का अपना एक अलग मजा है और अलग वो है। बाकी यहाँ पे मनाली में आपके आपको कैसा लगा, लाइक आप यहाँ पे आए और आपका? मैं तो मतलब यहाँ देवभूमि का हूँ तो मुझे तो यहाँ आके अच्छा ही लगता है जी। और अब तो ऐसा हो गया है कि अब यहीं से काम करता हूँ जी, तो बॉम्बे में इतना रहना अब ज्यादा मेरा होता नहीं है जी, क्योंकि लोग जहाँ से भी चाहते हैं आज के डेट में बुला लेते हैं जी, फिर वहाँ जाके शूटिंग करके फिर वापस आ जाते हैं। तो आप ज्यादातर मुंबई रहते हैं या यहाँ यहाँ रहना? नहीं नहीं, ज्यादातर रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि वर्क प्लेस वही है जी, तो ज्यादा मीटिंग्स वगैरह, लेकिन आजकल तो जूम कॉलिंग वगैरह हो गया तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। पहले बहुत प्रेशर होता था कि वहाँ रहो, स्टे करो, रहने का करो, कैसे करो, पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन अभी ठीक है, अब सब जगह से हो जाता है। तो बाकी आप पंकज तिवारी जी आई थिंक आपके दोस्त हैं? पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी सर, हाँ पंकज त्रिपाठी मेरे जूनियर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरे जूनियर हैं, हम लोग पास आउट हुए थे, वो लोग आए थे जी। वैसे ही संजय मिश्रा जी हैं जिनके साथ मैं कम से कम नहीं तो 6-7 फिल्में कर चुका हूँ। अच्छा, अभी हमारी एक आएगी फिल्म साथ में जी, प्रीतम प्यारे करके है पिक्चर का नाम जी। आपका अक्षय कुमार जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे सर कमाल, अक्षय सर तो कमाल, मतलब क्या एनर्जी है उनमें और उनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया। अच्छा, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब जो यंग जनरेशन के अभी जो मतलब आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे मैक्सिमम पिक्चरें, तो जो थोड़ी वल्गैरिटी भी होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि लाइक आपको कंफर्टेबल रहते हैं आप या नहीं रहते हैं? अब कंफर्टेबल इन द सेंस के अब OTT प्लेटफॉर्म है तो शुरू में तो अभी तो थोड़ा रीजनेबल हो गया है, नहीं तो शुरू में जब आया मैं तो पागल ही हो गया था, मैंने कहा यार ये वाला कैसे करेंगे हम, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये, इतनी वल्गैरिटी और इतना ये सब, मतलब आप गालियों में कहानी पिरो रहे हो जी। मतलब गालियां ही गालियां हैं और उसमें तुम सिर्फ, लेकिन अब जो मैंने किया है OTT में कुछ काम मैंने भी किया है लेकिन वो अच्छा काम है, वल्गर नहीं है, अच्छी कहानियां हैं। क्या होता है कि लाइक देखिए वो बात वल्गर नहीं है बट हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जैसे हिमाचल से हैं, तो हमारे लिए एक ना रिस्पेक्ट का वो बड़ा फैक्टर रहता है हमारे अंदर, मतलब सबके अंदर ही है, मैक्सिमम हिमाचल के लोगों में बिल्कुल। तो मैंने ये चीज देखी है कि लाइक हम ना चाह के भी नहीं निकाल पाते, जैसे मैं अभी रैपिंग करता हूँ तो मेरे से कुछ वल्गर वर्ड मैं इग्नोर करता हूँ कि नहीं यार नहीं डालने हैं, नहीं वो जितना बचा जाए उतना अच्छा है। लेकिन क्या है कि देखो हमारा जो परवरिश है, जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने हमको वैसे संस्कार दिए थे, ऐसा नहीं था कि उस जमाने में भी गालियां नहीं होती थी, होती थी लेकिन उसका ना एक तरीका होता था। लेकिन अभी जो कहानियां बीच में आने लगी वो मतलब गालियों में कहानी आने लगी, हमारी कहानियों में गालियां होती थी, जैसे हम कोई लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो एक आधा शब्द आ जाता है कि वो आपका एक्सप्रेशन भी होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि आप गाली के थ्रू ही वो बात निकाल सकते हो, तो वो जेन्युइन होती थी। लेकिन वो बीच में अभी मैंने कुछ वो सीरीज देखी रक्तांचल टाइप की, तो वो यूपी का कल्चर वैसा है तो वो वैसी कहानियां चलना इसलिए लाजमी हो गई कि वो गालियों से ही बनी है, तो वो भी जरूरी है, लोगों को अलग अलग टेस्ट मिलता रहता है, मजा रहता है। बाकी आपके हिमाचल में सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी लगती है आपको? मेरे को तो पूरा हिमाचल ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ऐसे सबसे अच्छी जगह की यार यहाँ पे तो मेरा दिल खुश हो जाता जाके। वो तो मेरा शहर ही है मंडी, मतलब मैं तो मंडी में, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आराम से 2-3 कमरों का एक छोटा सा मकान बना के रहो, आराम से काम भी करके आओ। तो मेरा ज्यादातर तो मनाली तो वैसे है ही, बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन मेरा बर्थ प्लेस मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और आपको ऐसे कितने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम? फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, मैं 99 में गया था जी, 2022 चल रहा है तो 23 साल, मतलब मैं उस टाइम में 2 साल का था 97 में बॉर्न हुआ, 96 में मैं निकल गया था यहाँ से जी, 96 टू 99 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर वहाँ से सीधा भाग गया था मैं बॉम्बे। अच्छा, तो कुछ किस्सा बताएंगे थोड़ा आपका, मतलब कुछ फनी मजेदार किस्सा आपका कोई रहा हो? अरे मतलब वैसे तो ऐसा हर पिक्चर ही अपने आप में किस्सा होता है जी, क्योंकि जितने भी कलाकार होते हैं इनके टेम्परामेंट ही अलग अलग होते हैं जी, इनका काम करने का तरीका अलग होता है जी, तो इनके साथ काम करने का मजा अलग होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, कमाल के क्रिएटिव लोग होते हैं जी, जो चीज शायद हम कम समझे होते हैं वो ज्यादा समझ जाते हैं जी, तो वो हमको ज्यादा समझा देते हैं,
तुम हर हर पिक्चर एक किस्सा है लेकिन अपने लोग रहते हैं तो ज्यादा मजा आ जाता है काम करने का। जैसे मेरे को संजय भैया के साथ बहुत मजा आता है। अच्छा, जैसे जबरिया जोड़ी कर ली, प्रीतम प्यारे कर ली, उसके अलावा 3-4 पिक्चरें और कर ली उनके साथ। इस समय तो नाम भी याद नहीं है, DNA में गांधी ऐसे करके बहुत सारी पिक्चरें। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कुछ कि लाइक ऐसे कोई ऐसे फनी किस्से कि लाइक यार ये यादगार एक स्टोरी हो, कोई एक ऐसी स्टोरी आपकी कि लाइक यार बहुत ही आपने अलग चीज की हो आपने उस शूटिंग में। हमारे सारे किरदार जो होते हैं ना, जो हम जब हम उनको बनाने लगते हैं, डिफाइन करने लगते हैं, उस समय हमसे जो जो गलतियां होती हैं, फिर जब करके आ जाते हैं तो अगले दिन लगता है यार ये सीन ऐसे किया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो इस तरीके से होता है, बाकी तो ऐसे छोटे छोटे किस्से तो हर जगह हो ही जाते हैं। और बाकी आपको ग्रैंड ओएसिस के साथ कैसा लगा? मतलब यहाँ पे ग्रैंड ओएसिस मतलब ये रिजॉर्ट बहुत बढ़िया है यार, बहुत सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं, आप लोगों को आना चाहिए। और यहाँ से व्यू देखो, पूरा व्यू ऐसा वादियों का व्यू है, इतना सुंदर व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप सबको भी एक बार यहाँ ग्रैंड ओएसिस में आना चाहिए। सो प्लीज सारे के सारे जो भी हमारे दर्शक हमारे को देख रहे हैं, आप ग्रैंड ओएसिस में आए, और प्लीज नीरज सर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मेरा नाम है हैजो हाजरी, आप मेरे को भी सपोर्ट करें, और हम इस वीडियो इसको सपोर्ट करें इसको सपोर्ट करोगे मेरी सपोर्ट खुद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी और फिर चर्चा होगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।